स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क का आएगा, लेकिन ये चार्ट आपको जरूर से ड्रॉ करना चाहिए, और ये 4 पॉइंट्स आप लिखोगे तो आपको 4 में से 4 पूरा मार्क मिल जाएगा। अभी आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये कैसे चार्ट याद रखे? तो बेटा मैं आपको एक ऐसा टेक्निक अभी बताऊंगा, आपका 1 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा जो चार्ट है आपका लर्न हो जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। तो सबसे पहले जो इंडिया का नक्शा है उसको 4 भाग में बांटो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया। नाउ नॉर्थ इंडिया में आओ, नॉर्थ इंडिया में क्या है बेटा? दिल्ली। ऐसे सोचो, दिल्ली में बेटा पॉलिटिक्स सब मेन तो दिल्ली से ही सेंटर्ड है। सो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? दिल्ली में। सो पहला आपके मन में विचार आना चाहिए, नॉर्थ इंडिया में क्या है? पॉलिटिक्स है, तो मनी और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया। अभी साउथ इंडिया में आओ, इडली का प्राइस और महंगाई काफी है साउथ इंडिया में, ऐसा सोचो। वापिस एक बार, नॉर्थ इंडिया में क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। साउथ इंडिया में क्या है? इडली का प्राइस और इन्फ्लेशन, मतलब आपको थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन आएगा। वेस्टर्न में महाराष्ट्र मुंबई में ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। अभी ईस्ट इंडिया में आओ, हमने चाइना के लोग को डिस्ट्रीब्यूट करके बाहर हकाल दिया, जो आए थे सबके सबको डिस्ट्रीब्यूट करके बाहर हकाल दिया। वापिस एक बार, 4 पॉइंट, नॉर्थ इंडिया में क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। साउथ इंडिया में क्या है? इडली का जनरल प्राइस और महंगाई है। वेस्ट इंडिया में क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि मुंबई में बहुत ज्यादा है। और ईस्ट इंडिया में हमने डिस्ट्रीब्यूट हकाल दिया चाइनीज लोग को टेरिटरी के बाहर। नाउ नॉर्थ इंडिया में आओ, नॉर्थ इंडिया में क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब दिल्ली के 2 भाग है, ठीक है, ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली। ऐसा सोचो, ओल्ड दिल्ली में कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, पर न्यू दिल्ली में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। कैसे याद रखोगे? ओल्ड दिल्ली में कंजम्पशन ज्यादा है, न्यू दिल्ली में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली जाने के लिए आपको साइकिल लगता है, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। सो अभी ये चार्ट सम अप करके बताता हूँ। नॉर्थ इंडिया में क्या है बेटा? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। साउथ इंडिया में क्या है? प्राइस लेवल और महंगाई। वेस्ट इंडिया में क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ईस्ट इंडिया में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वापिस से इधर आओ, नॉर्थ इंडिया में क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें ओल्ड दिल्ली का कंजम्पशन ज्यादा है, न्यू दिल्ली में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली में कैसे जाओगे? बिजनेस साइकिल। तो वंस ये स्टोरी बता दिया, अभी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बेटा आपको एक चीज याद रखना है, जॉन मेनियार्ड कीन्स ने 1936 में एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उस पे से ये कंसेप्ट फेमस हुआ। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन्स विच फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। भारत का नेशनल इनकम बेटा 200 लाख करोड़ है, इंडिया वर्ल्ड नंबर 5 है, नंबर 1 अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, फिफ्थ इंडिया है, ठीक है ना। एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यह फ्लक्चुएशन कैसा होता है? एक एग्जाम्पल लेते हैं, पेट्रोल का दाम 106 था, सपोजिटली 120 हो जाता है। पेट्रोल का दाम महंगा तो जितने लॉजिस्टिक्स है, जो गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो हर एक वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, तो देश में फ्लक्चुएशन हो जाएगा प्राइजेस का। अच्छा, प्राइजेस का फ्लक्चुएशन हुआ तो डिमांड का फ्लक्चुएशन होगा, डिमांड कम हो जाएगा तो सप्लाई को कम करना पड़ेगा, सप्लाई को कम किया तो गुड्स कम बिकेगा, मतलब प्रॉफिट कम होगा, मतलब सेविंग्स कम होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट कम होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट। सो बोलने का तात्पर्य है कि ये सारे फ्लक्चुएशंस है, एक फैक्टर यदि महंगा होता है तो सब चेन में सबको असर करता है। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, वी हैव टू स्टडी कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। पहले तो बेटा समझो, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करता है टू सेटिस्फाई हिज वॉन्ट्स। कंजम्पशन क्या है? एक्सपेंडिचर मेड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट इज कॉल्ड कंजम्पशन, ठीक है। और कंजम्पशन फंक्शन क्या है बेटा? कंजम्पशन और इनकम का रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट क्या है?
जब भी कोई आप मशीन या किसी में पैसा डालते हो जिसकी मदद से नया आउटपुट आता है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से आपको बोलता हूँ। सपोजिटली मैं आपको आईफोन का लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंडिया में आईफोन पिछले साल 55,000 करोड़ का बनाया गया जो कि वर्ल्ड का टोटल आईफोन प्रोडक्शन का 7% है। नाउ इफ यू एनालाइज पहले सिर्फ 1% इंडिया में था, 99% चाइना में था, अभी चाइना में घट के 93 हो गया, इंडिया में बढ़ के 7% हो गया। अब जब आईफोन इतना अच्छा बिक रहा है इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है तो एप्पल वालों ने बॉम्बे में 18 अप्रैल को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक स्टोर डाला खुद का और दिल्ली में 20 अप्रैल का डाला। अभी बिकॉज एप्पल का डू यू एग्री इनकम बढ़ा, क्यों? लोगों का कंजम्पशन बढ़ा, लोगों का एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा तो एप्पल ने इन्वेस्ट किया मुंबई और दिल्ली। आने वाले 2-3 साल में और 3 स्टोर आना है, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये साइड ही ज़्यादातर, तो गुड़गांव, जो बड़े बड़े नोएडा, भोपाल, ऐसे बड़े बड़े एरियाज में आना चाहिए। अच्छा, बॉम्बे में जब स्टोर डाला, जो एम्प्लॉई एप्पल स्टोर का उसको 1 लाख रुपये महीने का पगार मिलता है, वो लोग इंजीनियर MBAs वैसे है। सो एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ा? क्योंकि लोगों का एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा तो एप्पल ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो दुकान डाले तो नौकरी मिला, तो सब कनेक्टेड है बेटा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट से पहले आपका इनकम बढ़ना चाहिए, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग्स बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा एप्पल का तो वो इन्वेस्ट करेंगे। आया समझ में? सो ये आपको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है। और थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल क्या है? जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में धंधा ऊपर नीचे जो होता है उसको बिजनेस साइकिल बोलते हैं। एप्पल के लिए इंडिया में धंधा बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। अभी फॉक्सकॉन, एप्पल खुद नहीं बनाता है, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन के थ्रू बनाता है। पहले फॉक्सकॉन का एक फैक्ट्री था, अभी 2 फैक्ट्री है, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन सब बना रहे हैं। बनाते लोग ये थप्पा लगता है एप्पल का, इनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं। ताइवान में तीनों हैं और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन है, आपके सोनी, सैमसंग, LG, ठीक है ना, एप्पल, सबका ये बनाता है। कौन? फॉक्सकॉन, ऑफकोर्स विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन भी है। दूसरा, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अच्छा, इन लोगों ने इन्फ्लेशन शब्द यूज किया। इन्फ्लेशन मतलब परसेंटेज रेट एट विच द प्राइजेस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। एक दिन में 58 लाख लीटर इंडिया में दूध निकलता है, ठीक है। नाउ मैं गलत बोला, 58 करोड़ लीटर, सॉरी, ठीक है ना, 58 करोड़ लीटर जो है इंडिया में दूध निकलता है। पहले आंकड़ा 40 करोड़ का था और अभी कितना हो गया है, 58 करोड़ लीटर दिन में इंडिया का दूध निकलता है। तो अमूल इज द नंबर वन मिल्क प्रोड्यूसर, वो खरीदता है फार्मर्स से कम 10 लाख फार्मर्स से अमूल दूध खरीदता है। अभी गर्मी का टाइम अप्रैल में चारा जो है गाय भैंसों का वो महंगा हो जाता है, तो अमूल को फार्मर्स को ज़्यादा देना पड़ेगा, तो अमूल का दूध का दाम बढ़ेगा, तो दही, पनीर, छाछ, लस्सी, ये सब चीज़ का दाम बढ़ेगा। सो ये जो जनरल प्राइस लेवल है ये फ्लक्चुएशन कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज, बोलते ना, सिग्निफिकेंट। क्यों? इन्फ्लेशन होने के 2 मेन कारण है। एक तो आपका कॉस्ट बढ़ गया जिसकी वजह से आपने दाम बढ़ाया, दूसरा लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो आपने दाम बढ़ा दिया, तो कॉस्ट पुश और डिमांड पुल के वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो ये, और डिफ्लेशन मतलब वस्तु का दाम घटना, ये दोनों इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किसके दायरे में आता है? मैक्रो के दायरे में आता है। तीसरा, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट समझो। इंडिया का नेशनल इनकम 200 लाख करोड़ है, पहले 50 लाख करोड़, 100, 150, 200। इफ़ यू डिवाइड 200 लाख करोड़ बाय द पॉपुलेशन, एक आदमी का कमाई जिसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं वो 1.5 से 2 लाख रुपए आता है। वक्त के साथ साथ जब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ा उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जब देश का नेशनल इनकम बढ़ता है
तो डू यू एग्री देश में डेवलपमेंट होता है, पहले 60,000 मेडिकल सीट्स थे, अभी 1 लाख है। हिमाचल प्रदेश ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 5,000 करोड़ रुपया खर्चा करके गवर्नमेंट ने चालू किया। वंदे एक्सप्रेस करीबन 20 ट्रेन मार्केट में, एक ट्रेन का कीमत है 112 करोड़ रुपया। सो रोड्स, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, नए एयरपोर्ट्स, सबमरीन का जर्मनी के साथ गवर्नमेंट ने 42,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया। रफाले के 36 फाइटर जेट का 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने रफाले खरीदे। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है, आपका पॉकेट मनी 1,000 रुपया तो आपका एक लाइफस्टाइल होगा, आपका पॉकेट मनी 1,000 से 10,000 कर दिया तो आपका पार्टी और डांस और म्यूजिक और पेट्रोल और ट्रैवलिंग और मूवीज, नाश्ता सब बढ़ जाएगा। सो यदि देश का नेशनल इनकम बढ़ा तो देश का डेवलपमेंट होगा, गरीबी कम होगा, एडुकेशन अच्छा होगा, हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे, ठीक है ना, डिफेंस पे खर्चा बढ़ेगा। सो ये ग्रोथ पहले होगा फिर डेवलपमेंट होगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करता है। और अंडर डेवलपमेंट, क्यों बिहार अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पे एडुकेशन की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कमी है। सो नाउ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वहाँ पे एडुकेशन बढ़ेगा, यूपी में पहले बिकॉज बोलते ना क्राइम ज़्यादा था तो लोग इन्वेस्ट करने से डरते थे, अभी योगी सरकार ने टाइट कर दिया है क्राइम को तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो जीडीपी, अकेला यूपी का जो आउटपुट है वो पाकिस्तान का आउटपुट है, मतलब पाकिस्तान पूरे देश का जो जीडीपी टर्नओवर है, नेशनल इनकम है, अकेला यूपी का है। ठीक है, आप यूपी और महाराष्ट्र का पॉपुलेशन जोड़ दो तो अमेरिका से ज़्यादा हो जाए, करीबन 24 करोड़ लोग यूपी में रहते हैं। तो उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट का सिंपल सा कारण है, क्राइम कम हो गया तो धड़ाधड़। और अयोध्या में श्री राम का मंदिर 2024 में आएगा, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है ना। सो थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चौथा मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप जब भी इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो आप चार चीज याद रखना, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। इनके ओनर कौन है, लैंडलॉर्ड, लेबरर, कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर। उसके रिवॉर्ड्स क्या है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। पूरे देश का नेशनल इनकम 200 लाख करोड़, उसमें रेंट कितना, वेज कितना, इंटरेस्ट कितना, प्रॉफिट कितना। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि नेशनल इनकम में रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का कितना हिस्सा है, तो ये माइक्रो के स्कोप में आता है। वापस से अपन एक बार स्टोरी डिस्कस करते हैं तो आपको कंफर्म हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया में इनकम और एम्प्लॉयमेंट है दिल्ली में, क्योंकि पॉलिटिक्स बेस्ड है। साउथ इंडिया में इडली का प्राइस और महंगाई, वेस्ट इंडिया मुंबई में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ईस्ट इंडिया में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, चाइना को हकाल दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और नॉर्थ इंडिया में जो दिल्ली है उसका ओल्ड दिल्ली में कंजम्पशन ज़्यादा है, न्यू दिल्ली में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली आप साइकिल में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका चार्ट भी लर्न हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनको भी आइडिया और नॉलेज और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। आपको कुछ कमेंट होगा या वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम हर एक कमेंट का जवाब देते हैं। और कुछ भी आपको डाउट्स रहा तो आप पूछ सकते हैं। और खास करके आपको एक्स्ट्रा वीडियोस चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के ही नहीं दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियो मिल जाएंगे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपका वीडियो देखने का। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।